क्या नाम? नाम है मेरा निसार आलम। निसार आलम, वोट करते हैं? जी वोट इस बार इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ फर्स्ट टाइम वोटर। किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? यहाँ पे मुद्दा होना चाहिए विकास का, जो यहाँ पे मतलब अभी तक नहीं मतलब मैंने दिख रहा है। यहाँ पे जो हमारे मतलब क्या बोलते हैं डॉक्टर जावेद हैं, वो हमारे बीच रहते नहीं हैं, आते नहीं हैं। तो इस बार मतलब उनको वोट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मतलब यहाँ से खास के मतलब जो यहाँ का ये है तो यहाँ से हमेशा उसको वोट दिया गया कांग्रेस को। तो इस बार थोड़ा चेंज होना चाहिए, कुछ बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं बिल्कुल। क्या लगता है कौन आएगा बदलाव? यहाँ से मेरे हिसाब से अब्दुल रहमान ठीक है, वही आना चाहिए, और इंशाल्लाह वो इस बार यहाँ से अच्छा मतलब 5 लाख प्लस वोट से यहाँ से वही करेंगे। यहाँ से 5 लाख वोट? हाँ लाएंगे, लाएंगे, हाँ लाएंगे। और मास्टर मुजाहिद साहब जेडीयू से? आदमी ठीक है, लेकिन उसका जो ये क्या बोलता मतलब यानी इसमें गया क्या बोलता एनडीए, एनडीए में है, तो उसको मतलब उसमें मतलब हम लोग मतलब यानी राजीव हाँ वो वोट नहीं देते उसको, क्योंकि वो मतलब ये कभी इधर जाता कभी उधर जाता, पलटू राम है वो, उसको काहे वोट देंगे हम लोग पलटू राम की वजह से? उसको नहीं देंगे, हाँ नहीं देंगे, क्योंकि मतलब यानी कि यहाँ पे उनका भी सगा रहा है नीतीश कुमार का। रात हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, रोड घाट पुल पुलिया यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, जो हम लोग यहाँ पुल वो नहीं बनाया खजुरबाड़ी का, वहाँ का पुल बनना चाहिए मतलब यहाँ से हमेशा आदमी जाता है इधर से, रूट अच्छा है वहाँ होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे नहीं है पुल पुलैया, ये सब का बहुत जरूरी है, इसलिए अब्दुल रहमान बेस्ट ऑप्शन है हम लोगों के लिए, वो इस बार आना चाहिए। बोलते हैं अब्दुल रहमान साहब सिर्फ बोलते हैं, काम होता नहीं है, वो एक अच्छे मतलब अच्छे नेता है, वो यहाँ के माहौल के हिसाब से वो अच्छा नेता है, और नेता होना चाहिए, काम करने वाला नेता। अच्छा वही वो मतलब यानी अपना यहाँ पे इसमें क्या बोलता है इसमें मतलब अच्छा आवाज़ भी उठाया है वो, मतलब ये किया तो वो मतलब हमारे हिसाब से वो आना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा जब तक आवाज़ उठाएंगे नहीं तो मतलब अगर वहाँ पे मतलब यहाँ के बारे में मतलब ये करेंगे क्या रोड घाट नदी पुल पुलिया के बारे में बोलेंगे, वहाँ पे रखेंगे अपना मसाइल को, उसके बाद वहाँ से मतलब कुछ होगा तब 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 यानी उसके बाद ही हम लोग बात यहाँ पे होगा ना, अगर वहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, अगर वहाँ जाके यहाँ से जीते तो बैनर लेके वहाँ ये करें, जैसे हम लोग यहाँ पे हो गया AMU वो नहीं बना है अभी तक, तो भी होना चाहिए, तो उसके लिए मतलब यहाँ सबसे बेस्ट अब्दुल रहमान होना चाहिए। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद। क्या करते हैं आप वैसे? बाहर में रहता हूँ, बेंगलोर में, हैदराबाद। बाहर में रहते तो क्या लगता है कि इस बार कौन जीत रहा है, किसको जीता रहे हैं? जिताएंगे इंशाल्लाह अवैसी को। अवैसी को इंशाल्लाह। अवैसी का कैंडिडेट कौन है यहाँ, पता है नाम? नहीं उसका नहीं पता, पहले था तो उसका वो चला गया था, वो अंजार नहीं में। हाँ अंजार नहीं पहले था। हाँ अभी कौन है? अभी कौन है मालूम है? अख्तर रहमान। अख्तर रहमान सिंह देना है। कौन सा छाप है उसका? छाप पता नहीं फरल का। क्यों जिताना चाहते हैं अवैसी को? बहुत अच्छा लगा, वो अपना काम ऑन करता है उनका तरह, ये है। कांग्रेस को क्यों नहीं अभी? कांग्रेस को? कांग्रेस को नहीं, सब लोग को पहले से दे रहा था ना, तो समझ में नहीं आया इसके लिए पतंग को दे रहा हूँ। एक बार बदलाव करते हैं। हाँ बदलाव करना है भाई। और है मास्टर मुजाहिद साहब जेडीयू से, पता है? नहीं। हाँ वो इनका है, नीतीश कुमार का है। हाँ उनको नहीं दे रहा है। उसको नहीं देंगे? नहीं। आपका सादिक आलम। क्या लगता है कौन जीत रहा है, किसको जिता रहे हैं? पतंग छाप को। पतंग छाप को? जी पतंग छाप को। क्यों? क्योंकि वही मतलब हमारे कैंडिडेट है लायक, बनने का लायक, बनने लायक। डॉक्टर जावेद 5 साल से कुछ काम नहीं किया, शकल नहीं दिखाया, और पतंग साहब को जिताना है, वही पतंग हम लोग को मुसलमान के हक के बात करता है और देश की बात करता है, और सही बात करता है, और हम साफ सब लोगों से अपील है कि डॉक्टर जावेद का अगर काफिला आए तो उसको भगाओ, और पतंग का हवा बनाओ, पतंग को जिताओ। और मास्टर मुजाहिद साहब जो है जेडीयू से? वो तो वोट कटो, वो तो जेडीयू का ही है, बीजेपी का? बीजेपी का बीच में वो नीतीश कुमार तो क्या पलटू राम है। अच्छा पलटू राम तो पलट जाए किधर, तो क्या करें कोई अख्तर क्या नाम है, तो मुजाहिद को कोई वोट नहीं देगा। मोदी जी को जानते हैं? जानते हैं ना, माननीय हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी सरकार है। तो हम बोलना चाहेंगे अभी नीतीश कुमार सरकार के बारे में। मोदी सरकार के बारे में थोड़ा बताइए, क्या मोदी सरकार? वो भी ठीक है, लेकिन उतना भी ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि केवल धर्म के प्रति ही बातचीत ज़्यादातर छेड़ता है वो, जहाँ भी देखिए वो हमेशा धर्म के प्रति कहीं भी विवादित हो जाता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। अभी देखिए तो हमारे कुछार डबरेस्टन 2017 में जो कटी है, उस चीज़ों में सरकार इतना सारा MP ML जो भी बना है आज तक ध्यान नहीं दे रहा। 2017 सोचिए कितना साल बीत गए, ये रास्ता का आगमन जाने के लिए इतना परेशानियाँ हो गई है, और आमबाड़ी देख लीजिए और सुइयार अहमदपुर वाला रोड में देख लीजिए, डेवरेशन 2017 में सब कटिंग हुई है, आज तक कोई हमारे यहाँ का नेता या जो भी हो, नरेंद्र मोदी जी अगर सांसद नहीं आए, नहीं हमारे नरेंद्र मोदी जी भी उनके तक भी खबर जाते होंगे, लेकिन उन्होंने भी अभी तक उनके कोई भी
अगुआ उनका ध्यान नहीं दे रहा है सड़क के, कैसे जीत जाते हैं फिर? जीत जाते पता नहीं क्या है उनके पास, ऐसा नहीं है, नहीं कह पाएंगे क्योंकि उतना हम विद्वान तो है नहीं जो कि हम पता लगा पाएंगे। हम लोग कमाने खाने वाला रोजगारी आदमी है, 2 रुपया कमाते हैं और खाते हैं, गाड़ी उड़ी चलाते हैं खाते हैं। लेकिन हमारा जो कि बहादुरगंज यहाँ से जाने मात्र 1 घंटा लगते थे, अभी 3 घंटा लग जाते हैं रास्ता जाने में। और हम हमारे पास जो भी सुविधा के लिए जो भी छोटी मोटी गाड़ियाँ हैं, इतना परेशानियाँ हो जाती है से बोलने से बेहाल है। जहाँ हमारे 500 रुपये के डीजल में जाते थे, अभी हमारे 1000-1200 रुपये के डीजल लगते हैं। इतना काम करेगा कौन, पता है अभी इस बार कौन कौन आ रहा है चुनाव में? पता है, सुन तो रहे हैं कि RJDU है और क्या बोलते हैं JDU है, JDU है, AIMIM है, पतंग छाप, हाँ पतंग छाप है, कांग्रेस से है, कांग्रेस से है और धनुष छाप भी है, तीर छाप है। क्या लग रहा है इसका माहौल बन रहा है इधर? हम तो सुन रहे हैं मास्टर मुजाहिद जी का यहाँ पर, मैंने पूरा जोर शोर साहब सब जगह देख रहे हैं कि उन्हीं का तरफ सब मैंने अर्पण हो रहे हैं, सब जगह में जा रहा। आज भी मैं किशनगंज गया, मकई बेचने गया था गाड़ी से, चाय पिया लोचा हाट में जा करके, तो वहाँ भी 10 आदमी बैठे थे, बातचीत कर रहे थे मास्टर मुजाहिद जी के थ्रू। और हम लोग भी इधर में सपोर्ट कर रहे हैं, इस बार फर्स्ट वोटर हैं हम इस इलाका में, यहाँ खरा कॉलोनी वार्ड नंबर 12 में उसका फर्स्ट वोटर है हम। मैं भी खुद मुजाहिद जी को मैं सपोर्ट करूँगा। कांग्रेस या अख्तर इमान को चुनी? मुझे अच्छा लगा मास्टर मुजाहिद जी की, इसलिए कि हमारे मैंने किशनगंज क्षेत्र में, यहाँ से बहादुरगंज चाहे किशनगंज क्षेत्र में कोई भी तरह का ऐसा कोई परेशानी परिस्थितियाँ आ जाती है तो हमें हमेशा सहयोग करने के लिए वो तत्पर रहते हैं, चाहे कोई भी मैटर में हो हमारे सहायता करता है, इसलिए मैं उन्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। हम तो पढ़ाई पहले करते थे, अब स्टॉप कर दिए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुन्ना मुश्ताक नाम हुआ मेरा। मुन्ना मुश्ताक जी, हाँ। क्या लग रहा है कि कौन आपके क्षेत्र का विकास करेगा, किसको जिता रहे हैं? अभी वोट तो किए नहीं है, हालांकि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा इसके बारे में तो अभी कोई खबर है नहीं मुझे। और सबसे पहली बात है कि हमारे किशनगंज क्षेत्र में जितने सारे नेतागण हैं, हालांकि अच्छे अच्छे नेता हैं, लेकिन काम के हिसाब से कोई खड़े नहीं उतर पाते हैं। हालांकि जुमलाबाजी सब नेता करते हैं, हमारे जो हालात हैं, हमारे जो सिचुएशन है यहाँ का, और सबसे ज़्यादा यहाँ का जो है शिक्षा में कमी है, प्लस यहाँ का तो माहौल आपको पता ही है। अच्छा, इस बार कौन कौन मुख्य रूप से कैंडिडेट आ रहा है चुनाव में, पता है? हालांकि कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन रेस में कौन उतरेंगे ये कहना अभी असंभव है। अच्छा, कौन कौन है रेस में वैसे, पता है? रेस में तो रेस के बारे में तो हम नहीं कह पाएंगे, नेता मेरे ख्याल से अंजार साहब, नहीं सॉरी, अख्तर उलीमान साहब है, देख रहे हैं उनको भी, और जावेद साहब भी देख रहे हैं, उनके बाद आपका क्या कहते हैं मास्टर मुजाहिद साहब भी हैं। अब इन दोनों तीनों नेता में से कौन फाइट करते हैं ये कहना अभी मुश्किल है। अच्छा, इन तीनों में से जमीनी नेता कौन है, जमीन से हुआ हो? यानी कि जमीनी के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जमीनी नेता कौन है नहीं है ये हम नहीं कह सकते, इसलिए कि अब जो नेता यहाँ पर आएंगे उनका बोलबाला क्या होगा, किस मुद्दे पे वो लड़ रहे हैं ये तो वही कहेंगे। अच्छा, पिछले 5 साल से डॉक्टर जावेद साहब हैं, पता है ना? जी ये तो मालूम है, ये मालूम है जी। वो आए कभी, कितना काम? जावेद साहब हालांकि रोड से आते जाते रहते हैं, हालांकि फी गांव वो तो घूम नहीं पाएंगे या घूमे भी नहीं है। अच्छा। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा है उसको जाना चाहिए, इसलिए कि आपको बनाया गया है, इतना बड़ा जो आप पद लिए हैं या MP का भार जो आपको दिया गया है, तो आपको हर एक आदमी का सिचुएशन को जानना पड़ेगा। मास्टर मुजाहिद साहब अलग है, मास्टर मुजाहिद भी वो भी पहले रहे हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन उनके बारे में हम ये नहीं कह पाएंगे कि वो इस क्षेत्र में आएंगे या नहीं आएंगे, आते हैं या नहीं आते हैं। नहीं, जीतने की बात कर रहे हैं वो। जीतने की बात तो अब ये वोटिंग होने के बाद ही तो पता चलेगा कौन जीतने। चर्चा तो चल रहा होगा ना किसी का? चर्चा तो तीनों आदमी का चल रहा है, किसी एक का ज्यादा होगा किसी कम, अभी ऐसा फिलहाल अभी लगा नहीं है। 26 को वोट है ना? 26 को तो वोट है, मालूम है, कुछ नहीं मिला है देखने को कि किस कैंडिडेट का आदमी ज्यादा किसका बोलबाला है, ये अभी हम तो देखने को नहीं मिला है। अच्छा, अख्तर उलीमान साहब कैसे नेता है, वो ऐसे बोलने वाले हैं या काम करने वाले? एक नेता अपने जगह में सही है। नहीं, हम उसको कह रहे बोलने वाले नेता या सिर्फ काम? नहीं, बोलने वाले नेता से हमको मतलब नहीं है, असल में जो धरातल पर जो विकास है उसको लाने वाला अगर नेता हो जाए तो वो सबसे अच्छा नेता हुआ मेरे ख्याल से, चाहे वो जो भी हो। जा। हाँ, है। क्या लग रहा है इस बार?
किसका माहौल बन रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर किशनगंज में खासकर? किशनगंज में क्या, यहाँ तो जो है वही रहेगा। अच्छा, यहाँ कांग्रेस का पुल बना है। लोग तो बहुत नाराज हैं वैसे। नाराज रहने से क्या होगा, लेकिन जब नजदीक आता तो सब पब्लिक मूवमेंट एक ही हो जाता है, यानी स्टार्टिंग में अलग लास्ट में अलग। हाँ, लास्ट में वही होता है, सब पब्लिक मूवमेंट जो है ना सब एक ही हो जाता है। कांग्रेस को वोट करने की क्या वजह है वैसे, कोई वजह होगी ना? वही वजह है, यहाँ का जो है पॉपुलेशन जो है ज़्यादा ज़्यादा है। एमडी का किसका पॉपुलेशन ज़्यादा है? एमडी का। एमडी मतलब मुसलमान, मुसलमान का। हाँ, तो मुसलमान एक और पार्टी है, उसको क्यों ना दिया जाए? देखिए, उसको वो दे करके देखा है, ऐसे इस बार दूसरे को भी देखना चाहता है। नेता बढ़िया जदयू से मास्टर मुजाहिद साहब जो हैं, देखिए उसका व्यक्तित्व तो अच्छा है, उनका भी कैडर वोट है, लेकिन संभव नहीं लग रहा है, जो उसको जितना लाना है वो तो लाएगा ही, यानी एक तरफा वोटर है उसका। हाँ हाँ, लेकिन लास्ट में जो है ना, इधर जो है हम लोग का इधर एमडी वोट भी सब एक तरफा हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए जो हर साल का ही है वही इस बार भी रहे। AIMIM है अभी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी, गया तो उसको बात तो नहीं लग पाया, अभी तक देखने के लिए भी नहीं आया है, तो वो बात तो छोड़िए, अभी तक देखने खोज खबर लेने के लिए नहीं आता है, कहाँ लोग क्या करता है नहीं करता है, इसका कि अगल बगल में भी है तो थोड़ा आशा है लोगों को। अच्छा, मौजूदा सांसद जो कांग्रेस के हैं वो आए हैं? आते हैं कभी कभी, कभी कभी काम किए, काम काम क्या, काम तो जो तो भी करता है काम। सिर्फ लाइट लगाया है बस, वो और कोई काम नहीं है उसका, ना पुल बोलेगा रोड गार्ड, कोई काम नहीं है उसका, सिर्फ लाइट लगाया। हाँ, देखिए ना है आपका, देखिए लाइट कब लगाया है, लाइट ये हुआ लगभग 2 महीना होगा लगाने का बस, यहाँ पे एजुकेशन होना चाहिए, होना चाहिए मतलब इसके लिए कोई अच्छा ही होना चाहिए, यहाँ पे AMU का होना चाहिए, तो उसका कोई बात ही नहीं किया है, बहुत सारा समस्या है, बहुत सारा है, एजुकेशन वाला मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, बहुत सारा मैटर है यहाँ पे, डीजल पेट्रोल यहाँ होता है, जब ये इलेक्शन का टाइम होता है ना तब सबका नींद टूटता है, उसके इलेक्शन जीतने के बाद जो जाता है फिर जो सोता है वो कुंभकर्ण नहीं बताते हैं, कुंभकर्ण का नींद सो जाता है, उसके रेंज में किसान को कोई देखने वाला नहीं, हर एक व्यक्ति कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है, आप जाइए भाड़ में वोट दे दिए, आप ऐस कीजिए, आप जा करके आपसे कोई रब्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, हर कोई कुर्सी के लिए लड़ रही है। अच्छा, समझे, इसलिए हमारा जो इलाका है, हमारा जो क्षेत्र है, इसलिए पिछड़ा हुआ है। अच्छा, किसको जिताया जाए कि आम जनता की लड़ाई लड़े, जनता सब कुछ, हर एक नेता को जिताने के बाद वो अपने यहाँ जिसको रूप में आ जाते हैं यहाँ पे, हर लेकिन मतलब AIMIM का यहाँ पे अभी भी मतलब MP का इलेक्शन उसको नहीं जिताया, तो इंशाल्लाह इस बार उसको जिताएंगे, और यहाँ से मतलब एक बार उसको भी देखेंगे, वो भी अच्छा काम करे नहीं करे उसको भी करेंगे, उसको भी चेंज कर देंगे, एक बार उसको भी ला के देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब JDU हो गया, मतलब RJD हो गया, जो भी हो गया, हाचा हो गया कांग्रेस, उसको भी लेके आए हैं, उसको तो हमेशा से ही पढ़ाई लिखाई क्या किया कुछ।